नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। देखिए, मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। खबरों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, देखिए धरना प्रदर्शन को लेकर जो है खबर निकल कर आ रही है कैथल से। यहाँ पर लगातार जो है डेढ़ महीने से मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के सदस्य जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक के आवास का भी घेराव किया है और अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधायक के आवास के बाहर कैरी बैरिकेड्स को जो है धकेलते हुए मुख्य गेट तक पहुंच गई और इस दौरान वर्करों ने विधायक के निजी सचिव जो है इनको मांगों का एक ज्ञापन दिया है को महिला एवं बाल कल्याण की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के प्रदेश महासचिव के खिलाफ जो है पुलिस ने केस भी दर्ज करवाया है आपको बता दें पुलिस ने सरकारी कार्य बाधा पहुंचाने के आरोप में शकुंतला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस को भेजी शिकायत में महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय अधिकारी कैथल की ओर से कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर शकुंतला ने सरकारी कार्य बाधा पहुंचाई है और ये भी शिकायत में कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर शकुंतला ने आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कार्य न करने के बारे में भी उकसाया है और धमकी देने व सरकारी कार्य में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ सरकारी हिदायतों का पालन न करने पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी। पुलिस ने देखिए कितनी सारी धाराओं में जो है मामला दर्ज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से पुलिस किसी भी तरीके से चाहती धरना प्रदर्शन ना हो और दबाने का भी प्रयास है, इसी कारण से मामला भी दर्ज किया गया है। अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, साथ ही खबर को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। देखिए वैकेंसी से जुड़ी खबर है। बिहार के दरभंगा से खबर है। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब भीमराव सभागार में डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में विभाग की जो है प्रगति व समीक्षा की गई। डीपीओ यहां पर रहीं, इन्होंने बताया है कि इतनी इतनी आंगनबाड़ी कर्मी है और इसी के साथ ही जो है पोषाहार का वितरण जो है टोकन से हो रहा है। सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का टीकाकरण भी हो गया है और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में भी जो है जानकारी यहां पर दी गई है। डीएम ने सभी आंगनबाड़ी पोषण क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले 15 से 18 वर्ष के जो है आपको बता दें लोगों का सर्वे कर टीकाकरण कराए जाने की भी बात कही गई है और अन्य प्रशासन से जुड़ी हुई बातें भी हुई हैं इस बैठक में। और कहा गया है कि देखिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यदि अब आपकी इच्छा शक्ति होगी और आप चाह लेंगे तो आपके सभी केंद्र जो है बेहतर ढंग से चलेंगे। साथ ही आपको बता दें देखिए वैकेंसियों के बारे में भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। दरअसल आपको बता दें 4489 एवं सहायिका के 4289 पद स्वीकृत हैं और इनके विरुद्ध 4324 सेविकाएँ हैं और 3982 सहायिकाएँ चयनित हैं, यानी कि सेविका के 165 और सहायिका के 307 जो हैं पद यहां पर रिक्त चल रहे हैं। बता दूं यहां पर कि अभी एक लेटर आया था जिसमें कहा गया था कि शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी कर्मियों की चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और हम एक खबर देख रहे हैं लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर देखिए खबर है कि विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों का डाटा पूरा ना होने पर अब शिक्षा मित्र अनुदेशक आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। आपको बता दें पोलिंग पार्टियों में सरकारी कर्मचारियों के लगने के बाद जितने कर्मचारी कम पड़ेंगे उनकी जगह पर शिक्षा मित्र अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और इन सभी का डाटा पहले से ही फीड है। बताया जाता है शिक्षा मित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय और अनुदेशकों को मतदान अधिकारी तृतीय लगाया जाएगा। आयोग से अनुमति मिलने के बाद अब अधिकारियों ने भी जो है राहत की सांस ले ली है। पहले भी देखिए आयोग जो है निर्वाचन आयोग कह रहा था कि अस्थायी तौर पर इनको रखा जा रहा है, एक तरफ रिजर्व में रखा जा रहा है और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और बाकी शेष जितने भी बच रहे हैं तो वो सब वैसे भी लगेंगे, कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है और कुल मिलाकर जो है आंगनबाड़ी कर्मी ड्यूटी में लगाए जाएंगे। जिले में 3172 बूथों पर मतदान होना है। पोलिंग पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो 14,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की पोलिंग पार्टियां बनानी है और इससे पीठासीन से लेकर मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय और तृतीय पर ग्रेड पे के अनुसार तैनाती होनी है। डाटा तो 26,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का फीड हुआ है लेकिन इसमें आवश्यक सेवा वाले विभागों को राहत देने, चुनाव की तैयारी में लगे कर्मचारियों को डाटा से अलग करने और इसके बाद गंभीर बीमार गर्भवती महिलाएं आदि को छूट देने
छूट आदि मिल सकती है। इससे डाटा कम पड़ रहा था। अगर पोलिंग पार्टियां बार देखा जाए तो पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम तो पूरे थे, लेकिन मतदान अधिकारी द्वितीय के लिए 470 और तृतीय के लिए 332 कर्मचारी कम पड़ रहे थे। तो आयोग के निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारी ही लगाए जाए, अगर कर्मचारी पूरे नहीं होते तो मंडलीय पूल से लिया जाए। समस्या ये है कि लखनऊ मंडल में एक ही डेट में मतदान होना है। ऐसे प्रशासन ने संविदा कर्मियों को लगाने की अनुमति फाइल भेजी, बताया जा रहा है। कमिश्नर रंजन कुमार ने भी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए शिक्षा में अनुदेशक आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने को अनुमति दे दी। कुल मिलाकर यह है कि मान लीजिए सरकारी कर्मचारी नहीं है, तब की स्थिति में जो है आंगनबाड़ी कर्मी शिक्षा मित्रों को लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही यहाँ के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले प्री प्राइमरी टीचर आउटसोर्स आधार पर रखे जाएंगे। यह सुझाव प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जो है ड्राफ्ट में दिया गया है। यह ड्राफ्ट शिक्षा सचिव कार्यालय को मिला है और आने वाले दिनों में चर्चा के बाद जो है इस पर फैसला होगा। अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा और इसके बाद ही जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में 4000 से ज़्यादा स्कूलों में प्री नर्सरी टीचर भर्ती किए जाने हैं। समग्र शिक्षा अभियान की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से मिली मंजूरी के मुताबिक 4787 प्री प्राइमरी टीचर नियुक्त होने हैं। शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए ड्राफ्ट के अनुसार यह नियुक्तियां आउटसोर्स आधार पर फिक्स सैलरी के तहत की जाएंगी। वेतन भी 10,000 रुपये प्रति माह सुझाया गया है। इन पदों में से 70% सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे, जिसमें DLED, NTT और DECE को पात्रता दी जा रही है। शेष 30% पद आंगनबाड़ी वर्करों को प्रमोशन कोटा के तहत दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव और उम्र की पात्रता अभी तय होनी है और इसके लिए महिला बाल विकास विभाग की ओर से बैठक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। राज्य में 1 साल डिप्लोमा वाले NTT टीचर भी बहुत हैं, लेकिन इनको फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक और दुविधा उम्र की पात्रता को लेकर है। इस भर्ती में विभाग की ओर से आए ड्राफ्ट में 45 साल की लिमिट रखी गई है। तो हालांकि इन सभी प्रावधानों में सरकार के स्तर पर बदलाव हो सकते हैं। अब आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर है। दरअसल बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारी हैं जो शैलेंद्र प्रताप, इन्होंने कहा है कि नवजात शिशु, अति कुपोषित बच्चे सैम और मैम के साथ ही गर्भवती के आपदा से संक्रमित होने की आशंकाएं अधिक रहती हैं, इसलिए उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ऐसे परिवारों से संपर्क करते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मास्क पहनना है। अनुपूरक आहार, परामर्श सेवाएं, प्रतिदिन निगरानी, आयरन की गोलियों का वितरण आवश्यक सेवाएं हैं जो घर घर जाकर करनी है। इसकी सूचना उन्हें स्वास्थ्य विभाग को तत्काल देनी है। हमीरपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। DPO ने ये भी कहा है कि पहले 3 महीने में गर्भवती को गर्भावस्था में शीघ्र पंजीकरण, गर्भावस्था व धात्री महिलाओं की अवस्था में उचित खान पान जैसे नींबू, संतरा आदि की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही जो है कम वजन वाली गर्भावस्था के दौरान कम से कम 180 आयरन की गोलियां और 360 कैल्शियम की गोलियां लेनी है। तो इसके बारे में जो है जानकारी दी है शैलेंद्र प्रताप सिंह जो हैं DPO इनकी ओर से। खैर बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जो भी अपडेट होगी चैनल पर आपको मिल जाएगी। नमस्कार।